अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से। और अपने कान में लगा लिया अवतार बर्ड एयरबर्ड्स बर्ड्स, और इसकी वजह से भाई बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसे उतार कर हम रखते हैं साइड में। और हम अपना जो सबसे पहला काम करने वाले हैं वो ये है कि हम अपनी जो रोल्स रॉयस है उससे हम थोड़ा जो है ना वो करवा लेते हैं, क्लीन कलर उसका करवा लेते हैं, थोड़ा रॉयल, थोड़ा चेंज, और इसे थोड़ा रिपेयर करवा कर इसे थोड़ा अच्छा बनाते हैं, और उसके बाद इसे चलेंगे लेकर चलेंगे रोड पर ताकि आए थोड़ा सा मज़ा। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं भाई यहाँ से गैराज की तरफ, और वहाँ से करवाते हैं इसे रिपेयर, कलर करवाते हैं इसका, सब कुछ जो है ना वो अच्छा करवाते हैं। तो यहाँ से आराम से हम चलेंगे, बहुत हैवी गाड़ी है भाई, बहुत खूबसूरत फ्रेम भी इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लोगों के चलने के लिए जो जगह बनाई गई है वो तो और भी खूबसूरत है। बस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो रोड पर बनाया हुआ है, चले ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी स्पेशलिटी देखी है, लेकिन यहाँ फिर ना जब गाड़ी लेकर बंदा निकलता है ना तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि कहीं किसी से टकरा ना जाए, तो ये थोड़ी सी बात है। बाकी जो गाड़ी का जो कलर था वो वाकई मुझे लगता है रॉयल्स होने वाला है भाई। गाड़ी का कलर है गोल्डन कलर, काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा और करवा कर देखते हैं शायद अभी कोई अच्छा आ जाए कलर, क्योंकि भाई इस पर सूट भी करेंगे, क्योंकि सूट भी तो करना चाहिए ना। तो अभी आ चुका है भाई डार्क ब्लू कलर, जो कि इसे बिल्कुल कबाड़ दिखा रहा है। डार्क ब्लू कलर बुरा नहीं होता, लेकिन इस गाड़ी पर अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा, तो इसे थोड़ा और भी कलर लगा कर देखते हैं कि इस बार कौन सा आता है। तो इस बार भाई वही जो है ना यहाँ रिपेयर्स इज कम्प्लीटली, उन्होंने कहा है कम्प्लीट हो चुका है, गाड़ी जो है उसी पुराने कलर में आपको दे दी गई है। और मैं इसे एक और बार रिपेयर करवाना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके टोटल कलर कितने हैं, क्या ये तीन कलर हैं, इसमें हमें कोई और कलर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस गैराज में हमें सिर्फ ये तीन कलर ही देखने को मिलते हैं। अभी हम चलते हैं, ये हमें कोई और कलर इन्होंने शायद चिपका दिया है, पर ये इसमें और भी बुरी लग रही है, पर इसकी हमें तो इसे चलाने से मतलब है ना, तो चले चलते हैं। हमें ज़्यादा शो तो बनानी नहीं है, और इसकी हैंडलिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी तगड़ी हैंडलिंग है इसकी। तो अभी हम चल रहे हैं भाई यहाँ से, एक थोड़ा सा हमें काम है तो वो काम करते हैं, और हमारे सामने सुपर कार जो हैं वो चल रही हैं, तो उन्हें देख कर वो चलाने का मन कर रहा है, लेकिन ये कार भी कम नहीं है। स्पीड इसकी जो ओवरऑल स्पीड है टॉप स्पीड, वो मैंने अभी तक चेक नहीं की। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम है, अंदर हमारे दोस्त की शॉप है, और फिर वहाँ से वापस आते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो भाई हम आ चुके हैं वापस अपने दोस्त की दुकान से, बैठते हैं वापस गाड़ी में और चलते हैं भाई हम वहाँ पर अपने बीच पर, और वहाँ पर करते हैं थोड़ी मस्तियाँ, मज़े करते हैं भाई थोड़े। तो यहाँ पर एक बहुत ही टिकाऊ उन्होंने दरख्त लगा हुआ है, पार्किंग की बहुत ही खूबसूरत जगह, हमारे काम में है सुपर कार, लेकिन सुपर कार हमारी रोल्स रॉयस के सामने कुछ नहीं है। तो अभी हम तेज़ी से जा रहे हैं भाई अपने बीच की तरफ, पहुंच चुके हैं हम, लेकिन हमें जाना है अपने जो हमारा फ्लायर है, जो फ्लैट है उसके सामने ही हमें जाना है। तो थोड़ी संभल कर ड्राइविंग करनी होगी, और देखते हैं कि हमें क्या होता है, कितनी देर में हम पहुँचते हैं, और क्या हैंडलिंग है। अभी तक मैंने इसको एक खरोच तक नहीं आने दी, और टॉप स्पीड में इसे मैं चला रहा हूँ। तो ये ही बात होती है हैंडलिंग की, एक तो ड्राइवर पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी चला रहा है, लेकिन भाई आपको मतलब गाड़ी भी महसूस करवाती है ना, मैं ऐसी गाड़ी हूँ। तो यहाँ पर कर देते हैं इसे पार्क। मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ सुपर कार्स में ही ब्रेक अच्छे दिए जाते हैं, बार ब्रेक बाकी में भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो हमारे लेवल का ब्रेक है ना वो सिर्फ सुपर कार में देखने को मिलते हैं, जैसी स्पीड वैसी ब्रेक, ये भी एक बात है। इनकी स्पीड कम होती है तो इनकी ब्रेक भी थोड़ी आहिस्ता सी लगती है, टॉप स्पीड रेसर कारों की जो है वो स्पीड भी ज़्यादा होती है तो ब्रेक भी ज़्यादा लगती है, पर ये जो है इसने अपना जो है डर जो है वो बना कर नहीं रखा, और इसलिए हम इसे थोड़ा पहुंचा देते हैं, और उसके बाद ये जो है यहाँ भाग कर आई है, तो इससे पहले कि ये इन्फॉर्म करे ओके हो गया जी, ये भी लिपट गई, और ये जो है ये पता नहीं अभी ये वही है, ये कौन है इसे भी ज़रा गौर से देख लेते हैं, और उसके बाद इसको भी हम जो है तमाम काम कर देंगे,
और ये सारे एक ही ड्रेस में क्यों घूम रहे हैं मुझे नहीं पता। चलें अब हम चलते हैं, हमारे जो है वो काम काफी हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई, तो ये कैसा लगा भैया? तो काफी अच्छा है जो है अभी हुआ है भैया से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सेटअप पसंद आया होगा। हम सेटअप में थोड़ी चेंजिंग करने वाले हैं, उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपना सेटअप जो है वो कैसे बनाते हैं। पहले पी लेते हैं थोड़ा सा पानी भाई, बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि इन सबको एक एक गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि भाई हमारी लॉटरी तो लगी हुई है, आपको पता है इतने अमीर लोग हैं। तो यहाँ पर मैं सबको गिफ्ट देने वाला हूँ, इससे पहले कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, इन सबको एक एक गिफ्ट दूंगा मैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है। दो लोग, तीन लोग, चार लोगों को गिफ्ट दे दिया है, पांच को, छः को, सात, अभी आठ लोग हो चुके हैं और ये नौवीं है जो, और ये दसवीं है ऑरेंज कलर, और ये ग्यारहवें है ब्लू कलर में, बारहवां नौ कपड़े, 13 ये जो है ग्रीन ब्लैक, 14 ऑरेंज, 15 ऑरेंज और 16 ब्लैक और 18 ग्रीन, और सॉरी 17 ग्रीन और 18 जो है वो तो ब्लैक ही होने वाले हैं, आपको पता है क्योंकि अब पंगा लेने वाले तो आ चुके हैं। 19, 20, 21, तो भाई 21 ही हम जो है उनको गिफ्ट दे पाए हैं, और इससे अच्छा गिफ्ट और भी हो ही नहीं सकता। आप सोच भी नहीं सकते मैंने क्या गिफ्ट दिया, मैं बताऊंगा भी नहीं। आपने खुद कमेंट में जवाब देना है कि मैंने क्या आखिर गिफ्ट दिया होगा। मैं कहता हूँ कि इससे खूबसूरत गिफ्ट और भी हो ही नहीं सकता, ये सारी टेंशन ही खत्म कर देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई टेंशन बच जाए इसके बाद, ये ऐसा गिफ्ट है। और हमारी रोल्स रॉयस भी हमारे पास भी लेकर आ चुके हैं, और ये जो कलर है ना ग्रे कलर, ये वाकई रॉयल लग रहा है, तो मैं ये ट्राई नहीं किया था हमने। चलो यहाँ पर हम हॉस्पिटल से चलते हैं, हमें यहाँ पर एक काम था तो हमने वो काम कर लिया है, तो अभी हम तेजी से जा रहे हैं एक और काम की तरफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओ भाई यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक सिग्नल का थोड़ा इशू हो जाता है हमेशा की तरह। मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस का जो है ना फ्रंट वो काफी मजबूत है, बैक का भी मैंने देखा नहीं, लेकिन जो साइड है खासकर लेफ्ट साइड जो अभी तक मैंने देखी है वो बहुत नाजुक है, थोड़ी सी टकराने से भाई वो किसी काम की नहीं रहती। तो ये एक बैड माइनस पॉइंट है भाई, माइनस पॉइंट है, जैसा कि वहां पर भी वाई सिटी के काफी सिमिलर है भाई। हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा दूर, लेफ्ट साइड मैंने चेक कर लिया, मैं थोड़ा बैक, मैं इसकी बैक चेक कर दूँ कि वो कैसी है बैक साइड, देखते हैं कि वो भी इतनी मजबूत है कि नहीं। यहाँ पर ऐसी बॉल लगी, मैं पर ये मार्केट हमेशा बंद रहती है। बैक साइड भी इसकी बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, तो फ्रंट तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, फ्रंट मजबूत है इसका, फ्रंट तो मजबूत। यहाँ पर एक इतना खूबसूरत घर है ना रोड के हाईवे के लेफ्ट में, मैं आपको बिल्कुल छोटा सा है पर बहुत खूबसूरत है। इस रोड पर यार मैं आता जाता हूँ लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया, बहुत खूबसूरत घर है भाई। और ये देखिए ये भी खूबसूरत है, और ये कोई महल सा लग रहा है भाई, यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं ये क्या चीज़ है। इस रोड पर मुझे लगता है हम जाते ही नहीं भाई, ये बहुत अलग है, ऐसा लग रहा हूँ कि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। हमें दोस्त जो है वो यहाँ तक घुमाने के लिए लेकर आए हैं, तो इन्हें पहले जो एक छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि भाई वो इतनी दूर से आए हैं, इनके पास मर्सिडीज है, तो भाई अभी गिफ्ट देने का वक्त है, और गिफ्ट दे देता हूँ भाई मैं इन्हें, उसके बाद बात करते हैं। तो इनके एक और जो इनके साथ दोस्त घूम रहे थे वो भी गिफ्ट लेने के लिए आ गया, तो मैंने सोचा कि उनको भी दे देते हैं गिफ्ट, उन्होंने हमें भी ये गिफ्ट दे दिया। तो दो गिफ्ट दिए लेकिन मैंने एक ही एक्सेप्ट किया क्योंकि दूसरे की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, बट हम निकाल लेते हैं क्योंकि भाई इसमें तो भाई पूरी ऐसे आवाज़ बंद ही हो जाती है आपकी आनी। तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, और आपके लिए ऐसी व्लॉग्स आते रहेंगे, वीडियोज़ आती रहेंगी। आपने बस कमेंट करना है कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय।